कितने परसेंट लोगों को लगता है कि औरतें फेमिनिज्म को मिस इंटरप्रेट करती है? कि लेडीज हमारे इस मंच पे यहाँ पे तीन औरतें हैं जी. इट्स सो इम्पोर्टेंट दैट वन ऑफ यू टेल्स अस व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फेमिनिज्म फॉर यू. See, for me, there are two kinds of people. There are people who take this word in a very negative sense. There are people who take this in a very positive sense. I am somebody who keeps it in a very positive sense. A woman being equal, standing for her rights, voicing them out, and fighting her battles by herself. That is my definition. Perfect. What do you think? Feminism was a movement that had started recently, basically because women were empowered. इन सो मेनी वेज और कॉन्स्टिट्यूशन और लॉज भी बने थे जहाँ पे इक्वल रिप्रेजेंटेशन बन गया था. बट आई ऑल्सो फील कि जो वेमेन ये फेमिनिस्ट कार्ड लेके फिर दे काइंड ऑफ यू नो मिस यूज इट दैट इज ऑल्सो रॉन्ग बिकॉज कहीं ना कहीं वो लड़ने शुरू करते हैं मैन से एंड नॉट ऑल मैन आर लाइक दैट और फिर वो मेल बैशिंग हो जाती है. सो देयर इज वेयर यू नीड टू ड्रॉ द लाइन एंड ऑल्सो नीड टू रियलाइज कि हम जो औरतें बनी हैं दे वर नॉट मेंट टू रिप्लेस मैन. Okay, they were meant to complement. Wonderfully put by Terence. So, hum log dekhe kya hai ladies ka average score. ...60%. That's a high number. Gentlemen, wow, 70%. Jay, aapse shuru karte hain. Aapki kya raaye hai? फेमिनिज्म जब तक आप अपने राइट्स के लिए कर रहे हैं तब तक बहुत बढ़िया चीज़ है, लेकिन जहां वो कंपटीशन में आ जाता है कि मुझे मर्दों से बेटर करना है, मुझे उनको पीछे छोड़ना है और एक छोटी मोटी झगड़े के लिए भी है ना, वो फेमिनिज्म का कार्ड ऐसा ही निकालते हैं जैसे उनके पास कोई त्रिशूल हाथ में आ गया और वो कुछ भी कर सकती हैं एंड यू नो उसका कैसे भी इस्तेमाल कर सकती हैं. तो वहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको वो शक्ति इसलिए दी है सो दैट यू यूज़ इट फॉर द राइट पर्पस, लेकिन अब वो उसका गलत फायदा भी उठा रहे हैं. अभी एक रिसेंटली एक वायरल वीडियो भी हुआ था जहाँ पर एक डिलीवरी बॉय के ऊपर यू नो एलिगेशंस हुए थे एंड आई वाज फीलिंग सो बैड. वो तो भला है कि उसके पास कुछ प्रूफ्स थे कि वो बच गया, नहीं तो वो आदमी जिंदगी भर ना कहाँ काम मिलता था, ना कोई जॉब्स मिलती थी, ना कुछ होता था. बस वही मेरा है कि जो फेमिनिज्म जो चीज जो अभी चल रहा है कि भैया मतलब नहीं, नहीं, वो चल नहीं रहा है. सबने अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से एक डेफिनेशन बना ली है. हाँ तो वही बोल रहा हूँ, यू नो ये अच्छी चीज है लेकिन उसको अगर अच्छी तरह से यूज करो तो डेफिनेटली इट्स फैंटास्टिक.